हेलो है, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त नवीन और आप देख रहे हैं टैग ग्रिप। आज वाली इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम से जुड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। इसके साथ ही गाइस इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम यूजर है और आपने इंस्टाग्राम पर ढेर सारे अकाउंट बना रखे हैं, या गाइस आप इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट काफ़ी पुराना है और उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, या फिर गाइस अपने किसी भी अकाउंट को आप कुछ समय के लिए डिसेबल करना चाहते हैं या ब्लॉक करना चाहते हैं, तो गाइस उसको किस प्रकार से कर सकते हैं। मेनली तो गाइस मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा किस प्रकार आप अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, और अगर आप उसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप जानते हैं इस प्रोसेस को तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और गाइज जो लोग ये नहीं जानते वो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए ताकि उनको इस प्रोसेस का पता चल जाए। इस वीडियो के अंदर गाइज मैं कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो गाइज ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू कर लेते हैं अपनी इस वीडियो को, और आपको बता देते हैं आपको किन स्टेप्स को फॉलो करने हैं ताकि गाइज आपकी ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट हो जाए। तो गाइज मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर हमें कोई ऐसा फीचर मिल सकता है, कोई ऐसा ऑप्शन मिल सकता है जहाँ से हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं या फिर कुछ समय के लिए ब्लॉक या फिर डिसेबल रख सकते हैं, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो आपकी प्रोफाइल नीचे की तरफ शो होती है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको थ्री लाइंस पर क्लिक करना है, सेटिंग पर टाइप करना है, फिर आप यहाँ पर हेल्प पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप हेल्प सेंटर पर जाएंगे, तो गाइज यहाँ से आप अगर सर्च भी करेंगे हाउ डू आई डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट, जैसे ही इसको सर्च कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। मैं ऊपर वाला ही ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और गाइज यहाँ से नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पर किसी भी प्रकार का डिलीशन वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो गाइज मुझे क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद हमें अपने ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना होगा instagram.com। जैसे ही मैं यहाँ पर instagram.com सर्च करूँगा, अगर गाइज आपकी आईडी यहाँ से लॉग आउट हो रखी है तो आपको यहाँ से लॉगिन कर लेनी है। मेरी यहाँ से आईडी पहले से ही लॉगिन है, तो गाइज मेरे को क्या कर लेना है, जो नीचे की तरफ बॉटम पर मेरे प्रोफाइल पिक शो हो रही है मुझे इस पर क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, तो लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ हमें एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर टैप करना है तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो गाइज अब मुझे यहाँ पर क्या कर लेना है, अबाउट सेक्शन के अंदर हेल्प वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो मैं इस पर टैप कर दूंगा, तो सेम वही वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है जो एप्लीकेशन के अंदर दिया गया था हेल्प सेंटर का, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, तो हमारे सामने फिर से ये हेल्प सेंटर वाला पेज ओपन हो जाता है इंस्टाग्राम का। तो गाइज यहाँ से हमें अगेन करना है हाउ आई डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट। तो गाइज जैसे ही इसको मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, तो मैं यहाँ से करूँगा डिलीट यूअर इंस्टाग्राम अकाउंट, तो हमारे सामने फिर से सेम वही पेज ओपन हो जाता है। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं instagram.com फ्रॉम मोबाइल ब्राउजर, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ, तो गाइज यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिलीट यूअर अकाउंट, तो गाइज मैं इस पर टैप कर दूँगा, तो जिसके बाद गाइज ये आगे की तरफ प्रोसेस करेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार आप अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं या फिर आप टेम्परेली डीएक्टिवेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इफ़ यू वांट ए ब्रेक फ्रॉम इंस्टाग्राम, अगर आप इंस्टाग्राम से कुछ ब्रेक लेना चाहते हैं, यू कैन टेम्परेली डीएक्टिवेट यूअर अकाउंट, तो आप कुछ समय के लिए अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। यूअर अकाउंट इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग इट यूअर प्रोफाइल वुड नॉट अपियर ऑन इंस्टाग्राम वाइल यू आर अवे, तब तक आपकी प्रोफाइल को इंस्टाग्राम पर शो नहीं कराया जाएगा। तो गाइज आपको नीचे की तरफ जो ये बॉक्सेज बना हुआ है इस पर टैप कर देना है, तो आपके सामने कुछ इस तरह के कई रीजंस आ सकते हैं, टू मैनी एड्स, ट्रबल गेटिंग स्टार्टेड, टू बिजी, टू डिस्ट्रैक्टिंग, प्राइवेसी कंसर्न्स, वांट टू रिमूव समथिंग, कंसर्न्ड अबाउट माई डाटा, क्रिएटेड ए सेकेंड अकाउंट, कांट फाइंड पीपल टू फॉलो, समथिंग एल्स। आप यहाँ से कोई भी रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो यहाँ से समथिंग एल्स सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। और यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, जो आपका पासवर्ड है उसको एंटर कर देना है। उसके बाद गाइज अगर आपको आपका पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड पर जा सकते हैं और यहाँ से अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आप नीचे पढ़ सकते हैं इफ़ यू कॉन्टिन्यू यूअर प्रोफाइल एंड अकाउंट डिटेल्स विल बी डिलीटेड, कि अगर आप यहां से कंटिन्यू करते हैं तो आपकी प्रोफाइल और आपका अकाउंट डिटेल्स है वो डिलीटेड कर दी जाएगी 30 दिसंबर 2022 तक। तो गाइज आज कितनी डेट है मैं वो आपको बता दूं, आज है 30 नवंबर, तो
तो गाइज अगर मैं यहाँ से आज प्रोसेस करूँगा तो 30 दिन तक जो हमारा ये अकाउंट है, अगर मैं इस पर कोई भी प्रोसेस नहीं करता हूँ या मैं इसको दोबारा से रिकवर नहीं करता हूँ, तो हमारा अकाउंट 1 महीने बाद परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। तो मैं उसको 1 महीने के बाद बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर पाऊँगा। तो गाइज अगर आप कुछ 5 से 10 दिन या फिर 15 दिन तक का ब्रेक लेना चाहते हैं तो इसको टेम्परेली डिसेबल कर सकते हैं, इसको दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। अगर गाइज आप इसको 1 महीने तक रिकवर नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, वो भी परमानेंटली। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, लास्ट में ब्लू कलर का ऑप्शन दिखाई देता है डिलीट वाला, आपको इस पर टैप कर देना है। जैसे ही आप इस पर टैप कर देंगे तो गाइज जो आपका अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीटेड वाले मोड पर चला जाएगा, और 1 महीने के बाद जो आपका अकाउंट है वो आपको इंस्टाग्राम पर बिल्कुल भी शो नहीं होगा। तो गाइज इस प्रकार से जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो जाता है। अगर आप किसी अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं या अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ समय के लिए टेम्परेरली डिसेबल करना चाहते हैं या उसको ब्लॉक करना चाहते हैं या इंस्टाग्राम से कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं, तो गाइज वो कंप्लीट प्रोसेस आप यहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर दोस्तों आपकी हमारी वीडियो की हेल्प से थोड़ी सी भी मदद होती है तो उम्मीद करूँगा कि आप हमारे चैनल को एक अच्छा कॉमेंट भी करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।